बल प्रमेहमनादिम यम व्यक्तमेकेन गोचरणम गोदानम महाकल्याणम मोक्षेन भवति। बल प्रमेहमनादिम यम व्यक्तमेकेन गोचरणम गोदानम महाकल्याणम मोक्षेन भवति। चल ले जा, चल 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 चल। हुकम, गोदान करवा लिया है, आपको स्वर्ग मिलेगा और मंदिर में 11 ब्राह्मणों का भोजन भी रखा है। अबे, 5 से कहीं पुण्य कम हुए जो 11 कर दिए हैं? बैठ के तुम दबाओ यहां से, चल हट। घनी खम्मा, अरे मन ने मारे घर से बाहर निकाल दे रे, और ये छतरी के नीचे डाल दियो, इनकी माँ को चोर ले जाए। अरे मैं जितना जानता हूँ, कल मरा मैं, मारी लाश पे रोने वाला कोई ना होगा। बादशाह, आप बिल्कुल चोखे हो जाएंगे। मैंने शहर से डॉक्टर बुलाया है, शाम तक बता दे। डॉक्टर आएगा शहर से, संजीवनी लेके आएगा, हनुमान जी है ना। ये सब तुम लोगों के पाप की भुगतान है जो मैं दे रहा हूँ। कन्हे मर गया कालिया। अरे कालिया रे, अबे बहन के तुम फटे से क्या आवाज, मुंह भी दे सकता हूँ, बटने जाके बुलाना रे। अरे कालिया रे, कम बगत मौत को नहीं आए बेटा, मौत को नहीं आए। ओ कालिया, जल्दी आ जल्दी। ए तो गुलछर्रे उड़ावेगा, जान तो मारी अटकी है। अबे काम मर गया था बहन के, जब जीता था तो साये की तरह पीछे रहता था मेरे, अब थारा पत्ता ही नहीं है, नजर नहीं आता तू। आपकी ड्यूटी का कुत्ता हुकुम, कहाँ जाऊंगा। भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आप हुकुम तो करो। इधर आ, इधर आ, मारे को ना के बैठ। देख, मुझे नहीं लगता कि बिस्तर छोड़ के उठूंगा मैं, वो पंडित जाए कुछ भी बोल दे, वो बकता रहता है। मैंने बछली की पूंछ भी पकड़ ली यमराज तक पहुंचने के लिए, मगर वो यमराज नहीं आए, उन्हें आए। मेरी जान ऐसे नहीं निकलने की, यह यमराज के पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। सुन, आज जो मेरा दम निकला, अक्कल बता से बांटेगा ये लक्ष्मण। राम राम बोले हुकुम। छोटे मालिक तो आपकी बड़ी फिक्र करे हैं। बहुत फिक्र करे, कल देखना एक टसवा नहीं भाएगा, एक टसवा नहीं भाएगा। हुकुम, मरने का याद किया था, तू रहेगा हमारे मरने पर। हुकुम, काये बात करो आप, आप बोलोगे तो बोलूंगा तो तू भी नहीं रोएगा। एक काम कर, गांव से एक रुदाली बुला ला, बड़े बड़े घरों में जो मातम करती ना, वो जरा महंगी मत लाना, सस्ती वाली लेके आना, कम से कम वो तो रोएगी मेरे लिए, शोक मनाएगी मेरा, चाहे कह रहा है कि क्यों ना हो, शोक तो मनाएगी। सुन दिया ना तूने, अब जाना बहन के दीने क्या देर करूंगा। हुकुम जी। अरे मुनीम, हुकुम तो रहेगा मेरे मरने के बाद। हुकुम, मने तो अभी रोना आ रहा है ना, तेरी सकल ही ऐसी है मनुष। थारे ऊपर बोझ ना बनूंगी मैं, चूल्हा चौका कर दूंगी, भाजी सब्जी ला दूंगी। आने से पहले मातम किया था ना मैंने, पिसे भी हमारे पास लगे हैं, कुछ दिन शायद रहना पड़ जाए तेरे कने। जमींदार का क्या भरोसा। अरे जीते जी भरोसा कोनी, मरे बाद किसने देखा। एक बात पूछूं, ये धारा सनिचरी नाम किसने धरा।
शनिचरी शनिचरी गांव वालों ने कहना शुरू कर दियो अभागन शनिचर के दिन जन्मी जन्मते बाप ने खा गई मनुष्य गई थी मायने के नाम धरा था अरे मुई कथे देखो माइडो चढ़ते ही भाग गई किसी नौटंकी वाले के साथ पहला सही पग में चक्कर था उसके पानी पड़ेगा क्या बड़ी हुई कोरी चिट्टी थी एक शराबी सत में जीत के ले आया इस गांव में और लगन कर लिया तब से यही स्वर्ग यही नर्क तू कट्ठे से आई है डोंगरी से मरने वाले गुलाब से और उदाली हूं ना आज यहां कल कहीं और लागे है में पड़ेगा का को नहीं लागे रे कहीं और का लागे है अरे मैं पूछूं तू मारो या कहीं हाँ नानी के जैसे पग में चक्कर है तारे अरे मैं तो भूल गई दादी के लिए दवा लानी है चल घर चलते हैं माई थोड़ी देर अरे बुधुआ कितनी देर से यहाँ बैठे मैं सांझ को थन्ने वापस ले आऊंगी माई नाचना अरे बावला हो गया क्या नाचता माई अरे बुधवार मैं गिर जाऊंगी माई नाचना अरे नौटंकी की आदत पड़ गई है तने नाचना माई अरे दादी ने पता चलेगा तो जूते मारेगी मैंने नाचना अच्छा नाचू सुगर चलेगा हाँ चलूंगा गाली देगी मैंने रोजी तो गाली दे आ गई थोड़ा हाँ दवा लाई हाँ को नहीं लेने दे अरे ये काय होया ये घड़ा किसने फोड़ा मैंने तोड़ा काय करती अरे तीस के मारे दम निकल रहा था कोई घर में पानी देने वाला खुद ही उठी खुद ही गिरी पर मैं काय करा आपने छोरे से कह थारे पास बैठे रहे तो काम कौन करेगा ठाकुर साहब की खान में करती तो मैं हूँ वो क्या करे है दारू पी के पड़ा रहे है फिर सनी चली जाए खोजने मंदिर माँ गली माँ दारू के अड्डे माँ अच्छा गए हफ्ते एक टांग से खड़ा था मारे सिराने अरे थारा काट जाता तभी ठंडा होगा जब मारी आंखें बंद हो जाएंगी हर वक्त मारे छोरे को बदनाम करे है कल वही कहेंगी एक दिन जमींदार के लोग बांध के कोड़े मारेंगे ना फिर पता चलेगा थारी जबान में कीड़े पड़े हमेशा काला ही बोले है काल जीभणी तभी तो थारा नाम है हाँ।
सनीचरी सनीचरी सनीचर नू जन्मी जन्म ते बाप ने खा गई मनु कम बखत जानू हूँ। आने रे गंजू को, मैंने भी थारी खाल ना खिंचवाई तो कहना। ए बुधवा चल आजा रोटी जीम ले। अरे ना कौन ताई रहेगा, चला आऊ ना भाई। अरे काई कई वैद ने दवा दी है, अभी आकर देती हूँ। इस दवा से दादी ठीक हो जाएगी। भगवान ना करे, आज तो बहुत गरज रहे हैं बादल। बस गरजते ही रहे, पर से कोनी। ताप तो होता ही है, उतरे कोनी। गंजू का दावे को दो दिन से मुंह नहीं देखा है मैंने उसका। अरे तू चिंता क्या करे है, तू आराम से सो जा, सांझ जाऊं खोज लाऊंगी उसे, तू चिंता मत कर। देखो गंजू कट्ठे है, गंजू कट्ठे। अरे गंजू रे, गंजू ने देखा कहीं? मैंने कहीं था, भगवान का करम। अरे दारूडियो कट्ठे ढूंढू थाने में, गंजू तन्ने सिंह बुधवा के बापू ने देखियो कहीं? कौन गंजू, दो दिन से तो अठे ही था, सुबह ही डर के भागा होगा। झूठ बोले, सच्ची कह रहा हूँ सनीचरी, ठाकुर साहब के चोरी हुई है, सारों को ढूंढ रहे हैं। अरे घर में उसकी माँ बीमार पड़ी है, दो दिन से खबर को नहीं, आवेगा तो भेज दियो। हाँ तू भी भेज दियो उसे। अरे चंचली गंजू तो भेज दियो। पैसे भी गोया, ये तो बाली की तरह नाची। अरे इन कपड़ों को देख, ऐसे चिपक गए, ये अलग ही होना चाहते। माई माई देखना, माई घर को नहीं आया। क्यों क्या हुआ? मारी साहब खोजू, खोजती रह, छह महीने नहीं आएगा, थाने में बंद है, ठाकुर साहब का नाच चुराया उसने, गरम कुटी मनहूस। चल हरे राम हरे राम। कमली इस वक्त रात में, रात ही जाएगी तो दोष लगेगा, रात का मुद्दा रात में ही निकले तो अच्छा है। तो फिर मोहन पति इसको पता चलेगा, 10 रुपए का खर्चा हाथ पड़ जाएगा मारे माथे। वैसे ही घर में खाने को दाने को नहीं, ऊपर से मरने के बाद चले आते रात को, फिर दान करो। चल जल्दी चल।
नहीं रोई मैं, आंख ही नहीं भीजी। क्या करती, बखत ही को नहीं मिला। ठाकुर के यहाँ नहीं जानो है क्या? जाऊंगी थोड़ी देर में, रात ही रात थोड़ी मर गया होगा। अगर मर जाता तो अभी आसमान में गिद्ध उड़ते नजर आते। खम्मा का नहीं अंदा था, खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है ना सनीचरी के घर में? नहीं हुकम, सब सुखसान है। सनीचरी तो बड़ी चोखी है ना? जी हुकम। उसे कहना किसी चीज की जरूरत हो तो हवेली से आके ले ले, हमसे हमसे मिल ले। हमारी हवेली की पुरानी खिदमतगार है वो। जी हुकम। किलो चावल और ये तेल और ये 25 रुपये रोकड़ा। अब तो मजा करेंगे। कैसी लगी हवेली? हवेली अच्छी थी। हवेली वाले को भी देखा, मारी तो खबर कम पूछी, थारी बहुत फिकर करी। कोई खास लगन थी क्या जवानी में? अरे बोल ना, तेरे होठों पे हंसी क्यों अटक गई? ऊपर ऊपर देख के बात किया कर। अरे छोरी पानी पिला दे तू। अरे बावड़ी हो गई है कहीं? हाँ कैसे पानी पिला रही है तू? आपने कहा पानी पिलाओ, मैं पानी पिला रही थी हुकुम। मन ने क्या पानी पिला, प्यास मरने लगी है और तू पानी ऊंट को पिला रही है। आपने पानी कैसे पिला हुकुम? थारी गर्दन ऊंची हो जाएगी। क्यों, थारी गर्दन में बल आ गया क्या?
नहीं तो ऊपर देख। अरे ऊपर तो देख बावली। अरे ऊपर तो देख। नैन तो बड़े तीखे हैं फरे सुंदर लाके। नाम क्या है थारा? नीचेरी। क्या कर रही है? घरे। सुन तो, मैं थारे को देखने के लिए नहीं रुकिया था, प्यास लाग रही थी। थारे सर पे ये मटका देखा तो मैंने सोचा तू पानी पिला देगी। क्या मारी छागल सूखी पड़ी है? क्या छागल सूखी पड़ी है? पड़ी है, पानी पिला। अरे आप समझो कोनी, आपकी जात खराब हो जाएगी। मारे पीने से मारे में तो खराबी ना होगी, थारे पिलाने से थारे में को खराबी आवे तो ना पिला। अरे चल मैं छोड़ देता हूँ थारे को, कहाँ जाएगी? बरना। बरना तो चढ़ जाओ ऊंट पे। ऊंट की शान तो आपसे हुकुम, आप है तो ऊंट है, ऊंट है तो आप है। अरे मैं तो ऊंट के आगे बैठूंगा, पीछे तू बैठेगी, शान तो आगे रहेगी, आन भी आ जावेगी। आ जा। अरे गाँव में किसी ने देख लिया तो रेत में गाड़ देंगे मन्ने। अरे तू फिक्र मत कर, लक्ष्मण सिंह के होते हुए किसी में दम नहीं कि आंख उठाकर भी देख जाए थारी तरफ। खम्मगणी हो गया, माफी चाहो। अरे वो माफी चाहो। सुन तो, अरे मन्ने को नहीं पता हमारी बात। हुकुम बोले बांध के लिए आया तुझे। पर मैंने बांध क्यों लिया को नहीं पता, हुकुम बताएंगे। कैसे होगी काका? अरे चल ना, चल कंडे। हुकम सनचेरी का मरद हुकम। हुकम गंजुआ थारा नाम? माफी चाहूं सरकार, माफी चाहूं हुकम। हुकम हुकम मारो, कोई कसूर नहीं। काम कर रहा था, यो कालिया बांधन ले आया, मने मारा, मने मने मारा, बहुत मारा। दारू पी? नहीं नहीं हुकम, मैं कोने पियो दारू हुकम, छोरे की कसम हुकम, मैंने तो दारू छोड़ दिया हुकम। बास आ रही है थारे मुंह से। वो तो हुकम कल रात जोड़ों में दर्द था तो मालिश कर लेते हुकम, और वो थोड़ी सी घिटक लेते हुकम, यो कालिया ने नहाना को नहीं दियो, यही वास्ते बास आ रही है हुकम। दिहाड़ी कितनी है थारी? 2.5 रुपया हुकम। 2 रुपए की दारू पी जाता है, ठन्नी घर पे देता है। नहीं नहीं हुकम, आप उल्टा कह रहे हो, ठन्नी घर पे और 2 रुपयारी दारू। ठन्नी घर पे देवे और 2 रुपए की दारू पी जा। हवेली में छोटी मालकिन को नौकरानी की जरूरत है, खाना कपड़ा मिलेगा, अपनी जोरू को भेज दे, थारी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। आओ, मैं मोती, मालकिन कब से थारे इंतजार में है, चाल जल्दी चाल। मोती ए मोती, मारो दिल हुम हुम करे। हुम हुम? अरे थक थक करे, डर लगे मने। डर लगने की काई बात को नहीं, बहु बहुत दयालु है, समझी ना, ठाकरा के रिवाज ऐसे ही हुए हैं। हाँ मांगे तो सब मिल जावे हैं, पर बिना मांगे किसी झाड़ू के तिनके को हाथ भी नहीं लगाने देवे हैं। और हाँ मंदिर की तरफ जाना भी मत, किसी देवी देवता को हाथ लगाया तो आफत आ जावेगी। अरे रोज देवी चढ़ते उतरते मारी तो कमर पतली हो जाएगी। मारी को नहीं हुई, थारी की कर हो जाएगी। चल आ जा, आ जा। अंदर
अंदर आ जाऊं मालकिन। आ जा। सनीचरी आई है। कौन सनीचरी? एक बांधी को बुलाया था ना आपने। किसलिए? कुंवर साह ने कहा था ना आपसे, बाहर ही खड़ी है, बुलाऊं? अच्छा बुला ले। आ जा आ जा। मोदी रोजीना इतना पानी खर्च करे नाने माँ, बड़े लोग बड़े भाग। अरे बावले इनको काहे की कमी, इनके पास तो आपने कुएं और बावड़ियां हैं। बेचारा बुधवा अब तो खुद ही पानी लाता होगा। चल जल्दी कर जल्दी कर। ए थोड़े से पानी से हाथ में धो लूं। धोले धोले जल्दी से। ए मोती। हाँ एक बात बता, तो इनके कन्ने क्यों रहती है? हमारे जैसी है, इनके जैसी कौन है? हमारे कन्ने रहे। बहुत पहले आई थी, थारे से भी छोटी थी, बड़ी माजी सा की चाकरी के लिए भूख और गरीबी सह कोनी पाई, फिर कहीं करती रह गई। अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इन बूढ़े हाड़ों की किसको जरूरत है? हाँ सो तो तू ठीक कह रही है, एक बार जो औरत हवेली में आ जाए उसे अच्छी नजर से ना देखे लो। हाँ ए मोती। ए सनीश्री, हम तो बचपन में टप्पू खेला करते थे, तू बता बचपन में तू कहाँ खेला करती थी? हम कहाँ खेले मालकिन, खेलने के वक्त पानी भरा करे और खाने के वक्त खेता मकाम। मारी दादी जेब में एक कांदा और बाजरे की रोटी डाल देती और कहा करे खाने के पहले पानी पी लेना और खाने के बाद पेट भरा रहे। तू तो गरीबी की बातें करने लगी, हम तो खेलने के बारे में पूछ रहे थे। एक ही खेल खेला करे थे कभी कभी। वो काई? जमींदार की भैंसों के नीचे छुप जावे और सीधी धार का दूध पीवे चुरा के। हमारी भैंसों का? मैं इस गांव की कोनी मालकिन, चासोड़ में जन्मी सनीचर के दिन और जन्मते ही। अंतरणी जा कह दे हम स्नान कर रहे हैं और पूछ ले उन्हें क्या चाहिए। जी मालकिन। अंतरणी मालकिन स्नान कर रही होगी। तू जब भी मिले भीगी मिले। पूछे कुछ चाहिए? ऊपर ऊपर मारी तरफ देख के बात करना। पूछे कुछ चाहिए? हुकम तो सांस तेज चलने लगी। नहीं है नजर तो नहीं, ये पाप है हुकम। अरे बावली जिस दिन से देखे आए तुझे हम तुझे जाने लगे हैं, तू अच्छी लगे हमें। हुकम मारी चुनरी दे दो। अगर ना दूं तो मैं मोती नहीं हूं हुकम। सनीचरी छोरियां उठवा लेना जमींदारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर लक्ष्मण सिंह राम अवतार नहीं है। जमींदार तो हो और मैं छोटी जात की, मारी तो छाया भी पाप लगेगा हुकम। नरक मिलेगा नरक। पाप नरक? पाप क्या हुए जाने तुम,
ये पाप और पुण्य ब्राह्मणवाद के बनाए हुए ढकोसले हैं। अग्रणी की बनाई हुई प्रथा अरुणी की सीख पर चलना है तो फिर हमसे बड़ा पापी और कौन होगा। अगर ये जिंदगी पाप की है जो हम जी रहे हैं तो क्या बुरी है। तेरी उनकी जिंदगी से ज्यादा साफ सुथरी है सच की। भूखे नंगे मरकर सड़ते रहते हो बीमारियों में गंदगी में और समझते हो कि पुण्य कमा रहे। कौन सा पुण्य, किसके लिए है? कभी सोचा है तू? तेरा नरक वही है जहां तू है। सनिचरी एक बार फिर सोच ले, हम तुझसे वादा करते हैं तू कभी भूखी प्यासी नहीं रहेगी। तेरे लिए भला ही भला है। हाँ मगर एक बात है, बुधवार और गंजू को छोड़ना होगा। सेवा करती है सुनिश्री तेरी, कभी मारी भी कर दिया कर। हुक्म है ना दादा। चल रहन दे, अपना अपना भाग है लक्ष्मण सिंह। सिपला में आजकल केसर बाई ठहरी है, सोच रही थी बच्चे के अन्नप्राशन पर उसे बुला लें, बहुत अच्छा गावे है। गाना होगा रानी, उससे भी अच्छा होगा। केसर बाई की जरूरत क्यों? ये है ना शनिश्री, गाएगी नहीं? कालिया बता रहा था बहुत अच्छा गला है तेरा। पर हुकुम मैं कैसे? अब ये गाना गुना कैसे गाया जावे ये तो तू ही जाने भाई। मारो मतलब से हुकुम, मारी छाया ऐसे शुभ अवसर पर छोटे हुकुम पर। तू उसकी चिंता मत कर सुनिश्री, जलसा रात में होगा, छाया पड़ेगी नहीं। देख ये जात पात, ये छाया छुआ हम नहीं जानते और ना ही हम मानते हैं। तू इतना अच्छा गाती है फिर तुझे खुशी नहीं हमारी? वो बात नहीं है ना दादा। बात बात कुछ भी हो गए, तूने अभी हुक्म मांगा था ना, ये मारा हुक्म है। हुक्म शनिश्री, क्या इच्छा है तेरी? कृपा है अन्नदाता। ठीक है, ठाकरा की जिस जमीन पर तेरा झोंपड़ा बना है उसके पास की दोनों खड़ीन आज से तेरी। सचमुच आजाद कर दिया
अनस राज जो मैंने खोया है कभी ना बोलू। उसके बाद तो कुंवर साहब से नहीं मिले ना। इतने तो कितनी समझदार है रे, इतने बारह सनीचरी को कोई जान नहीं पाया और तू दो तीन दिन में। बिकनी, ए बिकनी, 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 ठाकुर साहब मर रहा है, चल जल्दी बुलाया है। ठहर जा, आती हूँ। अभी के अभी? हाँ, अभी के अभी। दिन ढल गया है, सुबह तक सबर नहीं होता था। सनीचरी, बावली होगी है के? मौत क्या घड़ी देख के आवे? अरे बिकनी क्या कर रही है, जल्दी चल। जाती हूँ, चल चल, चल। गंगा जल दे दे, गंगा जल। अरे अरे मुनीम जी, गंगा जल ले आओ। अरे कौन सा गंगा जल? हुक्म अंदाजा, चार घंटे से बिठा के रखा है मन ने, पैरों को क्यों भेजा था बुलाने के लिए? हाँ मालिक इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। हाँ आग दे। अरे मरने वाले ने कौन बचा सके है, समझी बिकनी? शहर से डॉक्टर जो बुला लाए हैं, मारा तो सर धंधा ही चौपट कर दिया। तुझे क्या, तू जमीर है सनीचरी के यहाँ है? एक बात बोलूं कालिया, अच्छा ही हुआ जब भगवान ने मालिक की उम्र लंबी कर दी। बड़ी अच्छी है सनीचरी, बोले हैं सनीचरी सनीचर के दिन जन्मी, जन्मते बाप को खा गई, सुखी सनीचरी अभगन सनीचरी मनुष्य कमबख्त।
जब फाटती रहूंगी रो सनीचरी रो वो सनीचरी रो रो सनीचरी रो 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 सनीचरी रो 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 सनीचरी रो 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 कभी आंखें बीजी थारी? आज 10 दिन हो गए गंजू को मरे, बेशरम, तूने अब तक उसका पिंडदान नहीं किया। थारी सास मरी, उसका भी पिंडदान नहीं किया, पर गंजू तो थारा घर वाला था, उसका तो कर लेती। अरे पिंडदान करवाया था रेत और पानी का, पूछ ले करवाया तो था। हरे कृष्ण अरे रेत और पानी का पिंडदान, अरे थारी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी कि तूने मोहनलाल पंडित से श्राप नहीं करवाया। श्राप लगेगा, श्राप, नरक, नरक में जाएगा गंजू। नहीं महाराज नहीं, अपना श्राप वापस ले लो महाराज। मारे आदमी को इस लोक में शांति को ना मिली, पर उस लोक में उसकी आत्मा को शांति मिले महाराज। अपना श्राप वापस। सती सावित्री दुरैर सब थारा किया धरा है। ऐसा कुनी रोज शराब पीता था, कभी कुछ नहीं हुआ। एक दिन थारे साथ मंदिर गया, प्रसाद का दूध पिया और मर गया, सब थारे कारण। मनहूस कहीं की काहे हुकुम महाराज? हुकुम तो सुन ले, विधि विधान से श्राद्ध करने के 30 रुपए लूंगा, एक पैसा कम नहीं, पर सास का मिला के दोनों के 50 लूंगा। इतने पैसे कहां से लाओ? कहां से लाओ महाराज? कहीं से मिला, उधार ले चाहे चोरी कर, डक्का डाल, भीख मांग। और सुन, उन दोनों का तो फिर भी कुछ हो जाएगा, पर थारी आत्मा को तो नरक तक में जगह नहीं मिलेगी। मैं उठ कहीं की चल। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह इन भिकमंगों की शक्ल मत दिखाना, बहन के तुखम, पूरा दिन जो है ना उसका सत्यानाश बढ़ जाता है। हुकुम सरकार, ये लोग कर्जा मांगने के लिए आए हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 30, और ये सनीचरी 50 रुपए का कर्जा मांग रही है। कर्जा मतलब जानते हो कर्जे का? पैसे के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता, ब्याज। क्यों दे सकोगे? मर गई ना नानी? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ कहते हैं, हट। अरे सनीचरी,
तू तो मालिक मकान है, तू क्या करेगी कर्जा लेकर? वो हवेली बनाएगी क्या अपनी झोपड़ी पर? हैं? अन्नदाता, मारो मर्द मर गयो है, श्राद्ध करना है। मोहनलाल पंडित ने कहा है कि 50 रुपये लगेंगे। मगर सनीचरी, 50 रुपये तो चुकाएगी कैसे? चुकाऊंगी हुकुम, कैसे भी चुकाऊंगी। अब हुकुम करो। तू मारे किस काम की? कुछ और हो तो बोल। हुकुम, वो झोपड़ा है ना जो कुंवर साहब ने इसे बख्शिश में दिया था? नहीं नहीं हुकुम, वो मारो घर है, नहीं दे सकूं। नहीं हुकुम। घर में और कौन है तारे? कोई नहीं, ये छोरा है 8 बरस का। मुनीम जी, हुकुम। 15 साल के लिए इन सब को बंधक मजदूर रख दो। मर जाऊंगी हुकुम, 15 बरस बहुत लंबे हो गए हैं, मजूरी से भी कुछ नहीं मिला तो खाऊंगी कहां से अन्नदाता? बेटा है ना तारा, कमा लेगा तारे लिए, मारे पास भेज देना, मैं काम पे लगा दूंगा उसे। अरे कट्ठे छुपाए भगोड़े। अरे टप्पू, बुधवा ने देखा के? हाँ। कट्ठे बचे बुधवा। अरे बुधवा बुधवा, आज पीटूंगी तुझे। आज बुधवा को पीटूंगी। अरे एक बार मिल तो जाए मन्ने। अरे यहाँ तो कौन है? हे छोरो, हे साची साची बताओ। हाँ कट्ठे है, मस्करी करे बुधवा। अरे कट्ठे कट्ठे है, हे बुधवा मस्करी करे के? हे बुधवा, अरे काहे सताए मायने? कौन है? अरे कौन? अरे बुधवा, अरे छोड़ मने बुधवा, बुधवा छोड़ मने, बात ना कर तारे कर, बुधवा छोड़। अरे बुधवा काहे कर है? अरे बुधवा छोड़ छोड़। अरे तू बच्चा नहीं है रे, अरे शर्म गुनाह है। अरे बुधवा छोड़ दे रे, अरे कर जाओगी। अरे बुधवा छोड़, अरे बुधवा बोलो छोड़ दे बुधवा, शर्म गुनाह। अरे बोल के जाया कर ना, बोले को नहीं बोल के जा रहा हूँ। कि मैं जा रहा हूँ, मार मत मैं लिखाल पकड़ता हूँ, सब माफी मांगो, माफी मांगता हूँ। अरे मत करी मत कर रहे, चिंता हो मेरे मन ने तारी। चिंता होती है? मर गया चिंता है क्या है? अच्छा नहीं जाओ, मत करी मत कर बुधवा, मत करी मत कर। अब जब तू बोला करेगी तभी जाया करूंगा, ठीक है? महंगा कोनी ले लुगाई खुशोसी रगर थरी खाचरी नहीं रमते चमकार छोरा छापरा कौन? क्या जनीचरी? आओ लाला आओ, अपनी दरी तो दिखा, गरम है ना? जिंदे फूट गए लाला, दिखाई को नहीं दे, खुद ही देख ले। अरे इसीलिए तो कहता हूँ दे दे मने भी, तुम्हारी भी ठंड मिट जाएगी। घास लेट ला दू लाला, अपने आग पीछे रख के आग लगा ले, ठंड हमेशा के लिए मिट जाएगी। तेरी मातियो तेरी। अरे तुम कमीनों के मुंह लगना, अपनी बेइज्जती कराना है। ओ सनीचरी, वो तो आपको कल ठाकुर साहब की हेली भेज देना। हुकुम। राम जी लाल जी, यहाँ क्या कर रहे हो? बस दरबार आपने ठंड का इंतजाम करने आया था। अजी वाह राम जी लाल जी, बहुत बढ़िया जगह चुनी है आपने, मान गया आपको। अच्छा राम राम, फिर मिलते हैं। हुकुम। सुन सनीचरी, एक बुरी खबर लेकर आया हूँ थारे लिए। थारे से अच्छी खबर की आशा किसे हो मुनीम? देख ठाकुर साहब तो 4 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद कुंवर साहब ने तय किया है कि सारे मजदूरों की छटनी कर देंगे और सारी जमीन जायदाद बेच देंगे। अब थारे जैसे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझे? ये काहे कह रहे हो मुनीम जी? कट्ठे जावांगे हम, काहे करेंगे?
हाँ जी, अब क्या है हुकुम कि दुनिया के सबसे पुराने धंधे के लायक तो ये रही नहीं। जी राम जी, लाल जी, आज तो 1,25,000 रुपए की बात कह दी आपने। अरे रान, जल्दी कुछ सोच ले, डोक रही नहीं तो भूखो मर जाएगी तू। अरे ब्याज पे फुटी कोड़ी भी को नहीं मिलेगी थमे। पर मुनीम जी, थारे जैसा खा को नहीं देखा। वाह कल्लो बात, अरे मारो कहीं कसूर है? अरे मालिक बीमार पड़े है, उसकी कोई चिंता फिकर को नहीं, तू बस अपने खिस्से भरे जा। हमारी बहुत फिकर हो गए क्यों? अरे बरसों से हमारा खून चूस के और मालिक के गले से पीछे हड़प के अपनी कोठी खड़ी कर लिए, तिजोरी भर ली है, अपने आप को ठाकुर समझे, जमींदार समझे। रान मुंह संभाल के बात कर। रान, अरे मैं तो भूल जाऊं कि ना तो तू जमींदार है ना ही हमारे जैसे छोटी जात वाला। मुनीम जी, तू तो तल्ला है दल्ला, जिसका धर्म ईमान बेईमानी होवे, पीसा होवे। जानू हूं हम गरीब मरते मर जावेंगे, ये जमींदारी भी खत्म हो जावेगी, रहेगा सिर्फ तू तल्ला हराम का जना। रान मुंह संभाल के बात कर। हाँ जी, उम्र के साथ साथ थारी जबान भी लंबी होती जा रही है, जानती नहीं किससे बात कर रही तू? हाँ हाँ, मुंह संभाल के बात किया कर, नहीं पूरे बाजार में थारी जबान खींच लूंगा। हाँ छोड़ो छोड़ो, चलो समझा लो इसको, नहीं जूती मारूंगा। बूढ़ी होगी, बुढ़ा गया जी, मैंने तुम्हारे को 1,000 बार समझा लिया, लोगों के मुंह मत लगा करो। हाँ हाँ मैं समझ गया, आप चलो कटे खुंदा खा रहे हो थे। माई के बिना को नहीं रह सके, फिर भी भागे। हाँ माई, हमारे बस में नहीं माई, टीले को उस पार से कोई गावे बुलावे है माई, बस चल पड़ता। थारी बात हमारी समझ में को नहीं आवे, फिर तू वापस क्यों आवे रे? इस पार से तू बुलावे है मई, बस चलाता हूं थारे पास। बावला है मारा बेटा है, आ गया तू? अरे बाजा बंद कर, इधर आ, अरे इधर आ, चल उठा बाजार चलते हैं। अभी काम बता दिया बाजार। अरे उठा उठा ले, बुधवा संभाल, अरे बाप रे, मारे से उठे, किसी और को बुला ले, मारे से उठे। अरे बुधवा शर्म नहीं आती है, कभी तो कुछ काम कर लिया कर, मैं किसी को नहीं बुलाती। चलो उठ। अरे नहीं ठहर ठहर, तू मत बुला, मैं बुला लेता हूँ। चल रे आ जा। ए बुधवा, ये क्या मजाक है रे? चलो अरे माई देख, माई देख सुन, मजाक नहीं माई। अरे दिमाग खराब हो गया थारा, करने चकला बनाएगा के? कहीं श्राण से लगन तो नहीं कर लिया तने? माई थारे से बगैर पूछे मैंने कभी कुछ किया भी है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर निकाल इसे, निकाल करके बाहर निकाल इसे, चलो चल निकाल इसे, छोड़ दे इसे, बाहर निकाल, बाहर निकाल इसे, निकाल माई, चल बुला, चल चल छोड़ दे, इधर बैठ, रात को घर में उठा कर ले आया, चकला बनाएगा। सुन माई, हमारी बात सुन ले माई, गुस्सा मत हो, हमारी बात सुन। ए बुधवा,
मैं तारी हर बात सुन लूंगी रे, हर बात सुन लूंगी। पहले इसरान को घर से बाहर निकाल। अरे गांव वालों ने देख लिया तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तू समझे कि नहीं? मैं हुक्का पानी पहले कब चालू था है? गांव भर तो जानता है कि मैं दिन भर दारू पी के इसके यहाँ पड़ा रहता हूँ और रात को घर आ जाता हूँ तुम्हारे पास। तरस आवे हमारे पर? नहीं, तरस नहीं आता, डर लगता है थारे से कि तू लाठी लेके आ जाएगी और दुनिया भर के सामने हमारी खाल उधेड़ेगी। माई माई ए मारी माई, एक बात सुन ले माई, सुन बोल। देख तू गांव वालों से डरती कौन, मत डरा कर, भौंकने दिया कर कुत्तों की तरह, तू तो अकड़ के चला कर बस, समझी? तू अपने दिल की बात सुना कर माई, सच बुधवा। हमारा दिल तो एक ही बात कहे, एक ही बात कहे हमारा, इस रान को अभी इस घर से बाहर निकाल, बस बस। माई दोनों को निकाल दूं? दोनों कौन? हाँ तेरा पोता भी इसके पेट में, वो कह रही थी गिरवा दे, मैंने कहा डर मत, मैं माई से कह के रखवा लूंगा। माई तू रखेगी ना माई? माई सुन, रखेगी ना माई? अरे नहीं नहीं ठीक है, मन को जान ले लो छला लावण कला गयो भर बूटो, लावण कला गयो भर बूटो, मन माए बट गयो भर बूटो, जिमन गोदिया ले लो छला लावण कला गयो भर बूटो, लावण कला गयो भर बूटो, मन। अरे क्या जमाना आ गया लाला, वैश्याएं खुल्लम खुल्ला भरे बाजार धंधा करने लगी हैं, हैं? दिन में दरी बेचे और रात में खुद को सोचना पड़ेगा। अरे पंडित जी, पहले इनको राजे महाराजे जमींदार पाला करते थे, देखो जी, और राजाओं के तो राज गए और जमींदारों की जमींदारी, अजी अब तो मजदूरों की छटनी करने की नौबत आ गई, अब इन रांडों को कौन पालेगा? अरे जालिम मुंगरी को तो देखो, हाय रे हाय इसकी जवानी, पंडित जी पका मतीरा है, फांके करो और खा लो। अरे लाला इस मतीरे को तो कईयों ने चखा है। अच्छा आप भी लैंड में पंडित जी? ठीक है ठीक है। ए लाला जी, आठ आने का नमक, आठ आने की शक्कर और एक बिस्कुट चाहिए। और मना मुंगरी चाय क्यों रे, आजकल दीखने तो रंडी पोल में कट्ठा चाल रहे थे। तो तेरे बोल सासू ने देख लिया तो? सासू किसकी, थारी के मारी? मारी वो बैठी है ना उधर सनीश्री, थारी सास? कब से? इसकी छोरे से ब्याह हुआ ना मारा, अब ऐसी वैसी बात ना करना मुझसे, शादी सुदा लगाई हूँ मैं। हाँ तेरी माँ दी तेरी, घर को चखड़ा बना के रखा है सनीश्वरी ने। हरे कृष्ण लाला, घोर कलियुग आ गया है, अब तो ठाकुर साहब को बोल के इन माँ बेटों को गांव से निकलवाना ही पड़ेगा। इन कमीनों की ये हिम्मत, एक रंडी को घर में घुसा के बहू बना लिया। तो बना लेना किसी मारे जैसे को बहू, इतना बड़ा पुण्य इस जन्म में नहीं मिलेगा। हाँ, सात पीढ़िया सरक जाएगी पंडित जी। फिर ऐसा बोली तो जबान खींच लूंगा रांड। तो इसके लिए तो मैंने छूना पड़ेगा, और ये तो तेरे शास्त्र में लिखा नहीं। क्यों लाला, सही कहा ना मैंने? मुंगरी चल जाए यहाँ से। बोल बोल कितना गुड़ और चीनी चाहिए। आओ जी आओ। अच्छा हुआ जो बुधवा घर लौटाया, थारे बुढ़ापे का इंजाम कर दिया, पूरी दुकान की दुकान उठा के ले गया घर में, अब तो तुम दोनों खुश रहोगे, तू भी और तेरा बेटा भी। क्यों लाला, तू अपनी दुकान संभाल। अरे कैसे संभालूं, जी भी नहीं लगता, सर माल जो तेने थारे घर में छुपा के रखा है, थारे कंठ की सौगंध, अगर तू हुक्म करे तो ये सारी दुकान थारे नाम कर दूं। लाला अरे राउंड हराम खो, घर में रंडी खाना खोल रखा है और मिजाज शरीफ वाले। अरे चुप कर, घर में लुगाई के होते हुए लाल टपकाए फिरे घूमो रंडे के पीछे, अरे घुसे रहते तो उनके घाघरों में, मारे छोरे ने एक को नर्क से निकाला, घर दिया इज्जत दी तो कहीं कौन है हुए? अरे मारे छोरे ने जो भी किया मर्द की तरह थी ना ठोक के किया, तारी तरह चुप कर नहीं ना मर्द साले। अच्छा अरे जा तुम दोनों को, माँ बेटे को जा,
गांव से नहीं निकाल दिया तो मारा नाम भी मोहनलाल नहीं। अरे बंद कर तेरा बाजा बजाना, बंद कर। तेरे से कहा था ना, कहा था ना इसे बाजार मत भेज, मत भेज। पर तुम माने को नहीं समझे को नहीं, क्या करो? कहीं हुआ भाई? क्या हुआ पूछ इसे, पूछ। सारे बाजार में नाक कटवा दी, सारे गांव वाले थू थू कर रहे, अरे लच्छन दिखाए लच्छन। कहीं हुआ रे? अरे बोलना कहीं हुआ? अरे ये क्या बोलेगी, जबान काट के गिर गई है थारे सामने। लाला और मोहन पंडित के सामने कुत्ते की तरह घूमे हैं, लाल टपक रही थी इसकी भी और उसकी भी। माई अरे रांड रांडे रवे छिनाली से ना जावे। छिनोल छिनोल तेरी माई ज्यादा चपर चपर किया तो मुंह चुप। अरे चुप रह। ए तू चुप। मैं छिनाल हूँ, रंडी हूँ। हाँ हाँ है, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो ना वो सती सावित्री कोनी होवे, कोनी होवे। हाँ 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 कोनी होवे सती सावित्री। तू ये इसलिए है ना सती सावित्री धरती पे। अरे ये रे चुप रह, नहीं तो तू है। अरे आगे किसे कहे हरामी, किसे कहे हरामी, ये हरामी दिखे, हरामी दिखे तने रान साली। तारे पेट में पोता ना होता ना तो जूते मार मार के घर से बाहर निकाल देती। चल छोड़ भाई, हरामी कहे। अरे पोता, थारे को कैसे मालूम है इस छिनाल के पेट में थारा पोता है? ना मर्द पुत्र, अपनी माई के पेट में तू। बुधवा, ए बुधवा, 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 ए बुधवा, अरे कटे तू, बुधवा, अरे चुलीराम, बुधवा ने देखा के? कौन बुधवा? बुधवा अरे मुंगरी कटे अंदर, मुंगरी है, मुंगरी बुधवा नहीं लौटा है, मुंगरी मुंगरी काय हो गया तने? मुंगरी ने बच्चा गिरा दिया। जब मुंह को नहीं आया अपने लोथ को काटते हैं। अरे मन दे देती पाल लेती मैं उसे, पर तने तो अपने धंधे के फिक्र थी, वो चारा ही पोता था भाई। वंश खत्म हो गया भिकनी, और फिर नहीं लौटा मारा बुधवा, गया नौटंकी वालों के साथ। जैसे मेरी माई भागी थी, नानी के पक्का चक्कर पोते में उतर आया था। क्या नाम था थारी माई का? पीयूली बताते हैं लोग।
मारा छोरा भाग गया, इसका दुख कौन ही हुआ? पर राम अवतार सिंह ने अपने मजूर के भाग जाने का दुख था, और मैं तो आज तक नहीं तय कर पाई कि बुधवा के भाग जाने से अच्छा हुआ या बुरा। जब उसका सोचूं तो लगे अच्छा हुआ, यहां भी क्या धरा था उसके वास्ते, हमारे साथ आधी रोटी पर जीता, तिल तिल करके मरता। और जब अपना सोचूं तो लगे बुरा हुआ, हमारी मिट्टी कौन ठिकाने लगाएगा। भिकनी, ए भिकनी, ए तू तो रोवे है? नहीं, मैं नहीं रो रही। भिकनी, तू मारे मुंह में पड़ गई है। अरे बावली, रुदालिया तो मातम पर रोवे हैं, मैं मरूंगी रो लीजो, पर कुछ मिल। क्या कंगे ले क्या बाल संवार दो, सुनते ही रो पड़ी। अरे मारे पर तो इतनी बीती तब नहीं रोई, काय करती, अकत ही कोनी मिला। अब तो बखत ही बखत है, आंसू नहीं आते। सूखी सनीचरी, कर्म फूटी सनीचरी, सनीचर के दिन जन्मी, जन्मते बाप ने खा गई। डर लागे है, तारे लगाओ से भी चली जाएगी, जानो हो मारे से जो भी जुड़ा है मर गया या चला गया, तो भी चली जाएगी, चले जाना राम अवतार के मरने के बाद। ये भी सह लूंगी, कितनी शक्ति है, अब तो आदत सी हो गई है। पर तारी बहुत याद आवेगी भिकनी, तू रहेगी हमेशा, ठहर जा यही हमारे पास। हाँ, अरे मारे लेरियरा लगा लेरियरा तो उठे बैठी है यार। मर गया क्या? तो फिर क्यों आया? अरे वो तो पता नहीं कब मरेगो, पर थाने लिए दूसरा काम लेके आया हूँ, मातम करेगी? वही तो करूँ मैं, पर मरने के बाद मातम करने जाए रुदाली, नहीं तो अशुभ हुए है, देखा नहीं राम अवतार को अभी तक अटका हुआ है। जानू जानू मैं। कहाँ जाना है? इसी गाँव में नथनी सिंह के यहाँ, राम अवतार के दूर का रिश्ते में भी कुछ लागे है, पर दोनों घरों में बोल चाल नहीं है। रात को मर गया नथनी सिंह, मैंने सोचा जब तक तू यहाँ राम अवतार के मरने का इंतजार कर रही है तो कुछ पैसा तू भी कमा ले है? और थोड़ा सा मैंने भी यार। एक बात सुन ले, मोल भाव नहीं करती मैं, 50 रुपए लूंगी गुड़ तेल आटा के साथ, छाते कूटने के और अंगना लोटने के 10 रुपया एक्स्ट्रा,
अलग से। हाँ भारत तो बोल, आओ मातम करने। अरे जो तू मांगेगी वो देंगे, उनको तो पूरे गांव को दिखाना है ना कि देखो गांव वालों, ऐन उसकी नाक के नीचे उसी की बुलाई गली से सोख करवा लिया। सुबर कहीं के पाखंडी साले, खेला वे इन लोगों से, मौत में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोचे। अरे तू छोड़ ना, तो फिर हाँ बोलू। हाँ तू जा, मैं आती। अच्छा अरे सुन, तुझे भी दूंगी 2 रुपये कमीशन के। पाँच ठीक है, 5 रुपये। क्यों डालिया